छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के जो वनांचल क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की आज जो पहली बार पहुंचे हैं किस तरह से रिस्पांस उनका लोगों का मिल रहा है। जी मतलब स्नेह तो चुनाव में ही स्पष्ट था। अभी मैं पहले उसी क्षेत्र में पहुंचा हूं जहां से भाजपा को थोड़ी कम लीड मिली और उन गाँव में भी गया हूँ, सब जगह आग्रह किया हूँ, सबके बहुत सारे काम बताए, कहा कि छोटे छोटे कामों के लिए भी 5 साल हम लोगों ने प्रतीक्षा की है और वस्तुतः बहुत छोटे छोटे काम थे। स्थायी पंप कनेक्शन नहीं हो रहा था, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे किसान, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, बाकी बात अलग है, सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों को ये लगता था कि रायपुर से आकर के पैसा वैसा बांट के कुछ चमका उमका करके हम वोट ले लेंगे, कुछ भ्रम फैला कर वोट ले लेंगे, तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो यहाँ था। अब सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, लोगों ने बहुत स्पष्टता से अपनी बात कही है। मैं दिन भर से यहीं हूँ और रात भी यहीं रुकूंगा और कल भी यहीं रहूँगा और सारी बातें सबसे करेंगे। इस बीच कुछ मार्मिक दृश्य भी देखने को मिला कि एक चप्पल नहीं पहना था, क्या ये मामला था? एक नौजवान लड़का है और उसने संकल्प किया था कि जब तक भाजपा न जीत जाए, जब तक रायपुर वाला न विदा हो जाए, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, और वो 1.5-2 महीने से बिना चप्पल के ही घूम रहा था। पूरा चुनाव प्रचार उसने ऐसे ही किया, तो आज जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने अपने हाथों से उसको चप्पल पहनाया। हाँ, इस क्षेत्र की जो ये सड़क है प्रमुख चिल्फी से सलहवारा, ये मार्ग काफ़ी दिनों से लंबी से, इसको लेकर किस तरह से? इसको तो जिनको बनाना था उन्होंने ही अपने मित्रों से स्टे लगवा कर रखा है, इस पर कार्यवाही, इस पर काम करेंगे और शीघ्र बनना चाहिए, इसमें पूरी कोशिश करता हूँ। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के गठन के बाद 18 दिन बाद विभागों का भी विस्तार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक लंबा अंतराल लगा, लोगों को बहुत इंतज़ार था, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और विधि, इसके अलावा नगरी निकाय, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और किस तरीके से विकास होगा अब छत्तीसगढ़ का? हाँ, ये सही है कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी दी है पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और विभागों के जो काम है उन कामों में गति आए और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अच्छा काम हो, इसके पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और बड़ा भरोसा जनता ने किया है, जनता की अपेक्षाएँ बहुत है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारियों से काम करेगी और जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे अधूरे काम हैं छत्तीसगढ़ में, डेवलपमेंट के काम हैं, उसको किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? इसके अलावा जो विभाग बांटे गए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या पूरी तरीके से संतुलित है ये विभाग बंटवारा? अनिश्चित रूप से संतुलित विभाग है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसे क्या जवाबदारी देना। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर विभागों का वितरण किया है, हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है, हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कैसी कल्पना है? हाँ, निश्चित है कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया, कांग्रेस ने तो हमेशा छत्तीसगढ़ का शोषण किया, उपेक्षा किया, अभी पिछली जब सरकार बनी थी तब भी वही काम किया जो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले कांग्रेस करती रही है, और 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। अब एक मौका फिर से हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भरोसा हम पर किया है, छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम हम ही करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे अरुण साव जी, डिप्टी सीएम हैं, विस्तार हो चुका है विभागों का और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो विस्तार जो हुआ है विभागों का उसके तहत काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर।